व्हाट आर द वैक्यूल्स दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म और मेन फंक्शन अगर देखा जाए वैक्यूल का तो ये स्टोरेज ऑफ केमिकल्स करते हैं लेकिन कुछ और ऑर्गेनिज्म में जैसे प्रोडोज में बैक्टीरिया में डिफरेंट फंक्शन भी है वैक्यूल का तो इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग और प्रजेंस के अकॉर्डिंग किस तरह के सेल में ये पाए जा रहे हैं अलग अलग कैटेगरी है लाइसोजोम सॉरी वैक्यूल्स की पहली कैटेगरी है यहाँ पे सैप वैक्यूल जो कि नॉर्मली प्लांट में पाई जाती है इसकी मिम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं और ये 90 परसेंट वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकती है सेल में तो प्लांट सेल की जो वैक्यूल होती है इसकी साइज सबसे ज्यादा बड़ी मानी जाती है इसमें वाटर सैप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और दूसरे मटेरियल प्रेजेंट होते हैं इसके अलावा ये प्लांट में टर्जिडिटी भी प्रोवाइड करती है और भी डिफरेंट फंक्शन है आस्मो रेगुलेशन आस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करती है प्लांट सेल में अगला है कंट्रक्टाइल वैक्यूल तो ये प्रोडोजोन्स में पाई जाती है जैसे कि अमीबा है पैरामीशियम है इवन यूगलिना में मेन फंक्शन आसमो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन है नेक्स्ट है फूड वैक्यूल तो फूड वैक्यूल भी प्रोडोजोन्स में मिलेगी जैसे कि अमीबा की ही बात कर लेते हैं और ये फूड के डाइजेशन में मदद करती है खाने के डाइजेशन में मदद करती है इसके बाद है गैस वैक्यूल, तो गैस वैक्यूल कुछ ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाई जाती है ये एन सी की लाइन है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे और आपको बता रहा हूँ ये गैसेस को स्टोर करती।, करती है इसके अलावा लाइटनेस भी प्रोवाइड करती है लाइटनेस मतलब बायोनसी ताकि वो डूब ना सकें है ना सिंक ना कर सके हल्का पन देती है